हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में वर्चुअल सिमुलेशन करेंगे एंड गेट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का। आप यहाँ पे वेरियस तरह की जो आईसीज होती हैं उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है आप इस ऑनलाइन सिमुलेटर से कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये जो सिमुलेटर है उसका नाम है DELDSIM.com सिमुलेटर है। इस पर आप वेरियस गेट की जो आईसीज होती हैं उसको आप फिक्स करके फिर कनेक्शन लगा के आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसका एक्सपेरिमेंट आज हम इस पे यहाँ पे करते हैं। हमने एंड गेट के बारे में पढ़ रखा है कि ये इस तरह से आपको यहाँ पे जो एंड गेट का सिंबल दिख रहा होगा, और इसका जो ट्रुथ टेबल जो होती है, जब दोनों इनपुट आप वन होता है तभी इसका जो आउटपुट वन आता है। एक तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन रहता है। ज़ीरो ज़ीरो या कोई एक भी ज़ीरो रहता है तो आउटपुट आपका ज़ीरो आ जाता है। और ये 7408 की जो आईसी आती है, जो चिप होती है वो 7408, उसका ये जेनरिक नेम है। ये क्वाड एंड गेट आईसी है। क्वाड का मतलब है कि इसमें चार गेट लगे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे चार एंड गेट लगे हुए हैं और ये टू इनपुट एंड गेट की आईसी है। इसमें यहाँ पे एंड गेट लगे हुए हैं, तो इसी ये वाली आईसी को हम अपने यहाँ पे सिमुलेटर में प्लेस कर लेंगे और फिर उसका कनेक्शंस यहाँ पे कर लेंगे और फिर इसका आउटपुट हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिमुलेटर में आप देख रहे होगे कि ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये एक आईसी पैड है, ठीक है। यहाँ पे आप आईसी अपनी फिक्स कर सकते हो, कोई भी आपकी जो भी गेट्स की वाली है वो आईसी फिक्स कर सकते हो। एक तरह से वो जो ट्रेनर बोर्ड जो होता है आपका, जो आप लैब में जिस पे आप अपने आईसी लगा के वायर्स वगैरह लगा के कनेक्शन करते हैं, ये उस तरह का ट्रेनर बोर्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरियस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ऐड आईसी है तो यहाँ पे आप आईसी को ऐड कर सकते हैं, फिर रिमूव आईसी है तो आईसी को आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। रिमूव कनेक्शन है, फिर शो डेटा शीट के मतलब यहाँ पे आप डेटा शीट को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमको एंड गेट की आईसी ऐड करना है तो हम यहाँ पे एंड गेट की आईसी पे गए, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है टैप टू क्लिक कौन कहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो किस आईसी को। मान लीजिए हम इस वाले सेकंड बेस पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे वेरियस तरह के आपके आईसी आ गए हैं, जो कि ये कुछ फ्री वर्जन्स हैं और कुछ उसके जो बाद में और भी आईसीज हैं जो कि पेड वर्जन में है, बट आप फ्री वर्जन में भी आप ये कर सकते हो। तो हमको एंड गेट का एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये एक आईसी हमने ले लिया है कि 7408, ठीक है। तो ये क्वाड टू इनपुट एंड गेट आईसी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इसको ले लें, फिर ऐड आईसी कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी आईसी ऐड हो गई है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो पैड है वो 20 बिट का है, बट ये यहाँ पे आपकी जो आईसी है वो 20 पिन की नहीं है, केवल 14 पिन की आईसी है, तो ये हाफ पोर्शन में ही आपको यहाँ पे आईसी आएगी। अब आपका इसका जो कनेक्शन करना होगा, पहले आप इसका डेटा शीट देख लीजिए। यहाँ पे डेटा शीट में चले गए, फिर आपको यहाँ क्वाड टू इनपुट एंड गेट का यहाँ पे डेटा शीट मिल गया, तो यहाँ शो डेटा शीट में चले गए तो आपको यहाँ पे डेटा शीट दिख रही है। इस तरीके से क्वाड मतलब चार तरह के एंड गेट यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे सारे इसके आउटपुट है। इसका फंक्शन भी आप देख रही है, कोई एक भी लो रहता है तो आउटपुट लो आता है, तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, ओके। अब आप यहाँ पे आ जाइए वापस से अपने ट्रेनर पे। अभी आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। तो आप कनेक्शन को डेटा शीट से देख के करेंगे, ठीक है। डेटा शीट में क्या है, पिन नंबर जो 14 होती है वो VCC का क्या मतलब होता है, कोई भी आईसी जो भी होती है उसको पावर सप्लाई चाहिए होती है चलने के लिए। आईसी कैसे बनी होगी, अंदर इसके ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होंगे, तो उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो पावर के लिए यहाँ पे एक VCC की सप्लाई देना पड़ेगा पिन नंबर 14 पे, और एक ग्राउंड दिया जाता है जहाँ से करंट को जो पाथ होता है, करंट एक जगह से इंटर करता है फिर एक जगह से फिर टर्मिनेट करता है, तो वो पाथ देना पड़ेगा। तो पिन नंबर 14 को आपको, जो पिन नंबर 14 यहाँ पे आप शुरू देखेंगे तो ये 1 2 3 4 7 8, फिर यहाँ से 8 9 10 11 12, इस तरह से आईसी की नंबरिंग होती है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट 1 2 3 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 तक ये आ गया है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये वाली पिन आपकी 14 नंबर हो गई। तो इसको आपको VCC से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है ये VCC का ऑप्शन है। आप यहाँ से एक वायर ले जाके इस पिन पे आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये आपका VCC कनेक्ट हो गया, और फिर आप यहाँ पे डेटा शीट पे देख रहे हो कि पिन नंबर 7 जो आपकी है वो ग्राउंडेड है,
तो अब यहाँ पे आपने पिन नंबर 7 को कनेक्ट कर लिया, और फिर आप यहाँ से ले जाके ग्राउंड पे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपका VCC कनेक्ट हो गया और यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट हो गया। फिर अगेन आप यहाँ डेटा शीट में देख रहे हो, पिन नंबर 1 और 2 पे इनपुट रहता है और 3 पे आउटपुट आप ले सकते हो। अगर आप ये क्वाड एंड गेट है, 4 तरह का आप वो, लेकिन ये एंड गेट यूज़ करना है, ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, तो 1 और 2 में आपको इनपुट देना है। तो आप इनपुट देने के लिए यहाँ पे 1 को यहाँ से वायर ले लिया, यहाँ पे और इस तरह के जो आपके स्विचेस लगे हुए हैं आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। जब स्विच को ऑन कर दोगे तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, स्विच ऑफ है तो यहाँ पे 0 चला रहता है, ठीक है। इसी तरह से 2 पे भी आप इनपुट ले रहे हो, तो यहाँ पे आप 2 पे भी आप इनपुट के लिए कनेक्ट कर दो एक वायर, ठीक है। तो ये आपने 1 और 2 इनपुट को कनेक्ट कर दिया। फिर आपको आउटपुट कहाँ लेना है, पिन नंबर पॉइंट जो 3 है, थर्ड पॉइंट से आपको आउटपुट लेना है। तो ये थर्ड पॉइंट को आप आउटपुट के लिए जो LEDs या स्विचेस जो ऊपर लगी हैं वो ऊपर आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आउटपुट कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने इनपुट को 2 कनेक्ट कर दिया है और 1 आपने आउटपुट कनेक्ट कर दिया। अब आप इस पे वेरियस तरह के कॉम्बिनेशन 1010 दे के देखोगे कि आपके आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर ऑन कर देना पड़ेगा यहाँ से, तो आपका ये आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो 0.0. भी दिख जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशन लगाने, यहाँ पे आप अपनी IC को जब देख रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दोनों लो है तो आउटपुट लो आएगा, ठीक है। ये दोनों आपका आउटपुट जो है दोनों यहाँ पे अभी ऑन नहीं है, मतलब 0 वोल्ट जा रहा है या 0 लॉजिक लेवल है, तो आपका आउटपुट भी यहाँ 0 मिल सकता है। तो ये आप वेरीफाई कर लिए, ठीक है, फर्स्ट वाला आपने वेरी। अब आपको एक इनपुट को लो करना है, दूसरे इनपुट को हाई करना है, फिर भी आप देखोगे कि आपका आउटपुट जो है वो लो ही दिखेगा, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे इसको 1 को हाई कर दिया, यहाँ पे आपने 1 पिन को हाई कर दिया, फिर भी आप लेकिन देख जब आपने हाई किया तो यहाँ पे देखोगे कि आपकी जो LED है जो वो ग्लो करती हुई नज़र आ रही होगी, रेड कलर की हो गई है ब्लैक से, ठीक है। तो हाई हो गया, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे देख रहे हो जो आउटपुट की LED है वो ग्लो नहीं कर रही, इसका मतलब आउटपुट भी 0 आ जा रहा है। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आपको दूसरे वाले को हाई करना है, पहले वाले को लो कर देना है, ठीक है। तो हमने इसको लो कर दिया है और इसको हाई कर दिया है, ठीक है। अब ये वाला हाई है, ये वाला लो है, हाई वाले की आपको देखोगे कि LED जल गई है, बट आपका देखो फिर आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब आपको लास्ट केस में जब हाई मिलेगा, क्योंकि दोनों इनपुट को हाई कर दोगे तब आपका जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। तो वो यहाँ पे आपने दोनों इनपुट को 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे दोनों 1 इनपुट को कर दिया है। फिर आप यहाँ देख रहे हो यहाँ वाली LED जल गई, ठीक है, यही आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो दोनों इनपुट को हाई है, तभी आपका जो आउटपुट है वही हाई है। आप एक भी इनपुट को अगर लो कर दिया, देखिए यहाँ पे तुरंत ये LED ऑफ हो गई। फिर एक भी इनपुट को ऑफ ऑन कर दिया, LED ऑन हो गई। फिर इस वाले इनपुट का LED को ऑफ कर दिया तो आपकी आउटपुट LED ऑन हो गई, इसको ऑन कर दिया तो आउटपुट LED ऑन हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये एंड गेट का सिमुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने एंड गेट की यहाँ पे IC लगाई है, वेरियस आपने वायर से कनेक्शन किए हैं, फिर स्विच ऑन ऑफ करके आपने देख लिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।